अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासिद और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ओला डाक जो ऐप है इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस पर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं, उसके अलावा आप इस ऐप से पैसे भी कमा सकते हैं। तो पैसे कैसे कमा सकते हैं वो भी आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो मुकम्मल डिटेल इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सिंपल आपने क्या करना, प्ले स्टोर से ओला डाक जो ऐप है इसको इंस्टॉल कर लेना। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपने ऐप को ओपन करना। ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपने करना है वही है कि आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं साइनअप वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिस पर आपने अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं लॉगिन वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वही ऑटोमेटिक फेच कर लेगा अगर सिम आपके मोबाइल के अंदर होगी। अगर सिम दूसरे मोबाइल में है तो आपके पास एसएमएस में ओटीपी आएगी, वो देख के यहाँ पर आपने लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम जो है वो लिख लेता हूँ अली। और उसके अलावा यहाँ पर आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो सेलेक्ट कर लें, जैसे यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने नीचे अगर आपके पास रेफरल कोड है तो वो यहाँ पर लिख लें, अगर नहीं है तो इसको खाली रहने दें। उसके बाद सिंपल आपने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पर जो वो बन जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी करंट लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं या जो है उसी को रहने दें, जैसे यहाँ पर मैं कीप लाहौर पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके अलावा अगर आप दोबारा लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो आपने दोबारा लाहौर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी लोकेशन जो वो सेलेक्ट कर लेनी है। करंट लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं या सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं जो वो पेशावर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट का, वीडियो कंसल्टेशन का, लैब टेस्ट का। और उसके अलावा जब आप यहाँ पर अकाउंट बना लेते हैं तो आपको 200 रुपये भी मिल जाते हैं और आपके वॉलेट अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये RS 200 लिखा है, ये मेरे वॉलेट अकाउंट में 200 रुपये जो वो आ गए अकाउंट बनाने की वजह से। तो आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस लिंक से अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको भी यहाँ पर जो वो 200 रुपये मिलेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने डॉक्टर अपॉइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाती हैं, जैसे कि स्किन स्पेशलिस्ट है, ENT स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, डेंटिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, आपने किस डॉक्टर को चेकअप कराना है तो उस कैटेगरी पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो हार्ट स्पेशलिस्ट को चेकअप कराना तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको फिल्टर मिल जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स नियर मी, कि आपके नज़दीक अगर कोई डॉक्टर है तो उसका यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं। लोएस्ट फीस, मोस्ट एक्सपीरियंस, अवेलेबल टुडे, जैसे यहाँ पर मैं अवेलेबल टुडे वाला यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके अलावा आपको जो है वो मेल फीमेल डॉक्टर चाहिए वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। 500 से कम वाले रुपीज वाले डॉक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन, जो सा फिल्टर लगाना चाहते हैं यहाँ पर आप जो वो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको डॉक्टर्स की लिस्ट शो हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक ही फिल्टर लगाया कि आज जो डॉक्टर अवेलेबल है उसकी लिस्ट मुझे यहाँ पर शो हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉक्टर्स की लिस्ट शो हो गई है। तो आपने जो है वो जिस डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बुक करनी है उसके नीचे ये आप देख सकते हैं व्यू प्रोफाइल वाला ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ऊपर आप देख सकते हैं उस डॉक्टर का नाम लिखा होगा, नीचे उसकी जो एजुकेशन है वो लिखी होती है, कितना इसका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा ऐसी कितनी फीस है, ये किस जगह पर बैठते हैं, जैसे खटक मेडिकल सेंटर में ये डॉक्टर जो है वो बैठता है। उसके अलावा इसकी टाइमिंग क्या है, अवेलेबल टाइमिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं टुडे की, यहाँ पर आपको टाइमिंग मिल जाती है। उसके अलावा लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। क्लिनिकल लोकेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है, मैप में भी, गूगल मैप में भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू ऑन मैप, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लिनिकल लोकेशन भी इसकी मिल जाएगी। बाकी इसकी यहाँ पर आप जो एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन, ये सारी डिटेल जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सिंपल ये कि अगर आपने डॉक्टर के साथ जब वो अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो नीचे आप देख सकते हैं बुक अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने किस दिन की अपॉइंटमेंट बुक करनी है वो सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं टुमारो की कर लेता हूँ। उसके बाद किस टाइम की आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है वो यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लें। जैसे आप टाइम पर क्लिक करेंगे तो आप बैग आएंगे, तो यहाँ पर आपने टाइम सेलेक्ट करना, उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंफर्म बुकिंग पर क्लिक कर दें तो फिर भी आपके पास ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, आपकी सारी डिटेल लिखी होगी, नीचे लिखे पेमेंट डिटेल में आप जो वो क्लिनिक में जाके जो अपनी फीस देंगे। तो अगर आपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो यहाँ पर आपने कन्फर्म बुकिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म बुकिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट जो बुक हो गई, ऊपर ये लिखा हुआ आ गया है। तो उसके अलावा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने अपॉइंटमेंट बुक की है या नहीं, तो यहाँ पर अगर आप नीचे हैं तो ये देखें अपॉइंटमेंट नोट, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि जो अपॉइंटमेंट डिटेल है वो आपको SMS में भी सेंड कर दी जाती है और आपको ऐप में भी जो है वो आपकी डिटेल होती है। वहाँ पर आप जो है वो डॉक्टर को या जो वहाँ पर रिसेप्शन में कोई बैठा होता है उसे वो दिखा सकते हैं, तो वो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो कन्फर्म कर देगा, ठीक है। यहाँ पर कन्फर्म होती है, वहाँ पर आपने जो है वो दिखाना है कि मैंने अपॉइंटमेंट जो बुक की हुई है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये SMS आ गया, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर जो है वो चेक कर सकते हैं। देखें ये अपॉइंटमेंट मेरी बुक हो गई है, यहाँ पर इन्होंने गूगल मैप में मुझे लोकेशन भी दी है, सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है।
और उसके अलावा अगर आप अपॉइंटमेंट कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने फिर क्या करना है, बैक आना है यहाँ पर, आपने अपॉइंटमेंट्स में आना है। तो यहाँ पर आपने जो भी अपॉइंटमेंट्स बुक की होंगी वो शो रही होंगी, तो आपने जो जो सी अपॉइंटमेंट को कैंसिल करना है उस पर आपने क्लिक कर देना है, और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कैंसिल अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है तो आपकी अपॉइंटमेंट जो वो कैंसिल भी हो जाएगी। इस तरह आप अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप जो है वो डॉक्टर से वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो कंसल्टेशन वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। दोबारा आपको सभी कैटेगरी शो हो जाती हैं, आपने किस कैटेगरी के डॉक्टर से बात करनी है तो यहाँ पर आप वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। जैसे मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट से करनी है तो मैं हार्ट स्पेशलिस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेम आपको दोबारा ऊपर फिल्टर मिल जाते हैं, आप यहाँ पर फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, और उसके अलावा नीचे आपको डॉक्टर्स की लिस्ट शो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जिस डॉक्टर से बात करनी है उसकी प्रोफाइल पर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस बाकी डिटेल वही सब कुछ आपको शो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन, नीचे इसकी फ़ीस लिखी हुई है कि 2000 रुपये ये फ़ीस लेगा डॉक्टर। उसके अलावा अवेलेबल टुडे, ये आज अवेलेबल है और इस टाइम ये आपको टाइम शो हो जाता है। ठीक है, तो आपने अगर बात करनी है इनसे तो यहाँ पर आपने बुक वीडियो कंसल्टेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने किस दिन बात करनी है वो डेट टाइम सब कुछ सेलेक्ट कर लें, कन्फर्म बुकिंग पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपकी डिटेल शो हो जाएगी, लेकिन इसकी पेमेंट आपको जो वो ऑनलाइन करनी पड़ती है। 200 रुपये तो आपके अकाउंट में होंगे जब आप पहली मरतबा यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे तो वो कर देंगे, उसके अलावा जो 1800 रुपये हैं वो आपको यहाँ पर पे करने होते हैं। तो यहाँ पर आपने कन्फर्म बुकिंग पर क्लिक कर देना है अगर आपने वीडियो कंसल्टेशन लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर पेमेंट करनी है। ठीक है, आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं, इजी पैसा के जरिए भी कर सकते हैं, या आपका कोई भी बैंक अकाउंट है तो उसे भी डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पेमेंट कर देनी है तो आप उसके बाद जो फिर डॉक्टर से बात कर पाएंगे, डॉक्टर आपको जो वीडियो कॉल कर लेगा। तो इस तरह आप जो यहाँ पर डॉक्टर से जो वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, डॉक्टर से वीडियो पर बात भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है डॉक्टर से तो वो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको लैब टेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप अगर लैब टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लैब टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें तो आपके नज़दीक जो है वो जो भी लैब होगी वो यहाँ पर आपको जो है वो शो हो जाएगी, या आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको सभी फ़िल्टर दोबारा मिल जाते हैं, लैब्स नियर मी ये वाला फ़िल्टर लगाएंगे तो आपके नज़दीक जो लैब होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। मोस्ट एक्सपीरियंस, हाईएस्ट रेटेड, अवेलेबल टुडे, जोन सा आप यहाँ पर फ़िल्टर लगाएंगे उसके मुताबिक नीचे आपको जो है वो लैब शो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो जो टेस्ट हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी यहाँ पर जो वो बुक कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पर, एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट का, एक वीडियो कंसल्टेशन का और एक लैब टेस्ट का। तो ये होम वाले ऑप्शन में ये सब कुछ आपको मिलता है। उसके लिए अपॉइंटमेंट में यहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हैं, तो यहाँ पर आप जो वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब ये बोल रहे कि अच्छा मैंने पैसे इनको पे नहीं किए थे, तो यहाँ पर ये सिर्फ वैसे मेरी अपॉइंटमेंट बुक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर दो, कैंसिल हो जाएगी। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको भी कैंसिल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी अपॉइंटमेंट की डिटेल चेक कर सकते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं वो भी कैंसिल कर सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड में आप मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो अपना यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मेडिकल जो भी रिपोर्ट है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है या जो रिकॉर्ड है वो गुम नहीं होगा, आपकी सारी डिटेल यहाँ पर जो वो ऐड हो जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप पैसे भी कमा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं लोगों से बनाओगे, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलेट अभी मेरे पास 200 रुपये हैं। यहाँ पर आपने अपने दोस्तों को इनवाइट करना था, आपको जो वो पैसे मिलेंगे। यहाँ पर आपने रेफर अ फ्रेंड पर क्लिक करना है, यहाँ से लिंक कॉपी कर लेना है, ये लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। कोई भी आपके लिंक से ऐप इंस्टॉल करता है, अकाउंट बनाता है, तो आपको जो वो 300 रुपये मिलेंगे। 9000 रुपये तक यहाँ पर आप जो पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप पैसे भी कमा सकते हैं, डॉक्टर को चेकअप कराना चाहते हैं वो भी उसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, लैब टेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल डिटेल मैंने आपको बता दी कि आप इस ऐप को जो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।